किसान भाई नमस्कार साथियों, आज का वीडियो हमारा कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और महत्वपूर्ण भी इसलिए है ताकि इसके लिए हम कोई भी दवाई या खाद ना डालें। तो किसान भाई, पिछले साल भी हमें इस प्रकार का एक सैंपल मिला था फील्ड में धान के खेत के अंदर, और अब की बार दोबारा से ये सैंपल किसान साथी लेके आए हैं। तो इसकी मैं जानकारी यूट्यूब के वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। किसान साथियों, ये जो आप सिम्टम देख रहे हो, धान की पत्ती के ऊपर सफ़ेद पत्ती बन गई है, बिल्कुल साइड में हरी है और बीज के अंदर बिल्कुल सफ़ेद धारी बन चुकी है। तो किसान भाइयों, इसके लिए किसी भी प्रकार की दवाई आपने करने की ज़रूरत नहीं है, ना ये कोई बीमारी है, ना ही किसी प्रकार की पोषक तत्व कमी है। कुछ साथी इसको पोटाश की कमी कह रहे हैं। किसान साथियों, पोटाश की जो कमी होगी उसके अंदर जो पत्तियाँ हैं, साइड से पत्तियाँ पिघली होंगी, टिप से लेके साइड से पत्तियाँ पिघली होगी, टिप सूखना शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर जो सिम्टम है, पत्तियाँ हमारी दोनों साइड से हरी हैं, बीच से सफ़ेद हो चुकी हैं। तो किसान भाई, ये कोई बीमारी नहीं है, ना ही किसी पोषक तत्व की कमी है, इसके लिए कुछ भी आपने स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। और ज़्यादा ये कम से कम एक एकड़ में 2 से 4 पौधे 5 पौधे हो सकते हैं ये किसी प्रकार की, तो इसके लिए कोई भी स्प्रे आप ना डालें। और किसान भाइयों, मेरा ये निवेदन है कि कम से कम स्प्रे आप बीमारी को देख के पहचान करके तो वो इसी प्रकार से डालें। तो आज का हमारे वीडियो का सिर्फ यही मकसद था। ये सिर्फ एक मोटिवेशन हो सकता है, या जो प्रकृति में चेंजेस आते रहते हैं, या कोई भी हम वैरायटी रिलीज करते हैं, कुछ किसान साथी इसको ये भी लिखा कि हमारा कोई नई वैरायटी तो नहीं या कोई मिक्सिंग तो नहीं है, तो इसके लिए कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपने, और कोई भी दवाई इसके लिए ना डालें। तो वीडियो को सिर्फ बनाने का यही मकसद था। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें ताकि दूसरे किसान भाई भी इस पर खर्चा करने से बचें। किसान साथियों, पत्ता लपेट, गोभ की सुंडी या अन्य जो होपर आने वाले, उसकी हम जानकारी ऐसे तरीके हम कोशिश करेंगे कि कम से कम खाद दवाइयाँ इसमें डलें। खाद आपने पूरा कर लिया होगा इस समय, तो इसमें जो हमारा जो समय आने वाला है आगे वाला, उसमें पत्ता लपेट या गोभ की सुंडी की समस्या आ सकती है कई खेतों में। तो पत्ता लपेट वो सारी हमारी ज़्यादा पानी खर्च करने से या हमारी जो ज़्यादा खाद डालने से आती हैं, उसके लिए आपने आवश्यकता अनुसार अपनी फसल को देखकर ही खाद डालें। और इस प्रकार के वीडियो हम किसान भाइयों चैनल के माध्यम से लाते हैं आपके बीच। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर जानकारी अच्छी लगे तो।